नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डेडपूल वर्सेस पनिशर सीरीज का सेकंड एंड लास्ट एपिसोड। तो अब तक आपने देखा कि पनिशर मिस्टर बैंक को मारने आता है, लेकिन डेडपूल पनिशर को रोक लेता है। लेकिन इसी बीच मरियाना बैंक्स, जो कि मिस्टर बैंक्स की वाइफ है, वो एक पेनड्राइव लेकर भाग जाती है जिसमें सारे अकाउंट्स नंबर थे। तो वही पनिशर के आने से किंगपिन मिस्टर बैंक को चेतावनी देने लगता है कि उसके पैसे सुरक्षित होने चाहिए, और इसीलिए मिस्टर बैंक टास्क मास्टर को हायर करता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो कहानी की शुरुआत में हम डेडपूल को देखते हैं, जो फिर से पनिशर की वैन में जिंदा हो जाता है, जिसे पिछले एपिसोड में पनिशर ने डेडपूल के सर में गोली मारकर मार डाला था। तभी डेडपूल को होश आता है और वो देखता है कि वो फिर से पनिशर की वैन में है, लेकिन तभी उस वैन पर फायरिंग होने लगती है। तभी पनिशर डेडपूल से कहता है कि उठो और इन सबको मारने में मेरी मदद करो। तभी हम देखते हैं कि पनिशर और डेडपूल के पीछे बहुत सारे गुंडे लगे हुए थे, जो पनिशर की वैन पर फायरिंग कर रहे थे। तभी डेडपूल गन लोड करता है। तभी पनिशर डेडपूल से कहता है कि हम मरियाना बैंक्स का पीछा कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर बैंक्स को लगता है कि हमने मरियाना बैंक और उनके बेटे को मारा है, इसलिए मिस्टर बैंक्स ने हम पर बाउंटी लगाई है। तभी डेडपूल एक हाथ में गन और एक हाथ में तलवार लेकर निकलता है और वैन के छत पर चढ़ जाता है, और वहां से सीधा उन मर्सिनरीज के ट्रक पर छलांग लगा देता है और ट्रक में बैठे हुए मर्सिनरीज को अपने स्वॉर्ड से मार डालता है, और फिर ग्रेनेड फेंक कर वो ट्रक को उड़ा देता है और कुछ कार को भी उड़ा देता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम टास्क मास्टर को देखते हैं, जो कहता है कि वैन पर टारगेट करो और मैं चाहता हूँ कि तुम पनिशर को उलझा के रखो। तभी हमें पता चलता है कि ये मर्सिनरीज असल में टास्क मास्टर के लिए काम करते हैं। यहाँ मरियाना अपने बेटे को लेकर कार तेजी से भागा रही थी। तभी वो बच्चा मरियाना से कहता है कि क्या डैडी हमारे साथ रहने आएंगे, जिस पर मरियाना अपने बेटे से कहती है कि पता नहीं। और ये कहते ही मरियाना अपने बेटे को एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहती है, लेकिन तभी मरियाना देखती है कि पीछे डेडपूल कुछ कार्स उड़ा देता है। यहाँ डेडपूल फिर से पनिशर की वैन पे लटक जाता है। तभी पनिशर अपनी वैन की स्पीड बढ़ाता है, और तब वे लोग देखते हैं कि उनके सामने और भी मर्सिनरीज आ गए थे, जो वैन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी पनिशर वैन में एक बटन को ऑन करता है और डेडपूल से कहता है कि वैन से कूद जाओ, और ये कहते ही पनिशर और डेडपूल बाहर कूद जाते हैं, और वो वैन जाकर उन मर्सिनरीज से टकराती है और वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। यहाँ पनिशर और डेडपूल उठ जाते हैं, लेकिन तभी और भी मर्सिनरीज आ जाते हैं और इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी डेडपूल को पास में एक घर दिखा देता है जिसमें टास्क मास्टर है, और उसे देखते ही डेडपूल टास्क मास्टर की ओर चला जाता है। तभी पनिशर डेडपूल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर डेडपूल कहता है कि मैं अभी आता हूँ। यहाँ पनिशर एक एक करके सारे मर्सिनरीज को मार रहा था और टास्क मास्टर ये देख रहा था, और तब टास्क मास्टर का ध्यान मरियाना की कार पर जाता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर बैंक्स की वाइफ और बेटा जिंदा है। तभी टास्क मास्टर मिस्टर बैंक को कॉल करता है, जो मीटिंग में था। तभी मिस्टर बैंक टास्क मास्टर से कहता है कि अगर तुम्हारे पास वो बैकअप आ गया है जिसमें सारे अकाउंट नंबर है, तो वो मुझे भेज दो। तभी टास्क मास्टर मिस्टर बैंक से कहता है कि उसकी वाइफ मरियाना और उसका बेटा जिंदा है, और पनिशर और डेडपूल उसके पीछे पड़े हैं। तभी मिस्टर बैंक टास्क मास्टर से कहता है कि क्या मरियाना मेरे बेटे के साथ है, जिस पर टास्क मास्टर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर मिस्टर बैंक्स कहता है कि मरियाना को मार डालो और मेरे बेटे को ले आओ, जिस पर टास्क मास्टर मिस्टर बैंक से पूछता है और उस बैकअप का क्या, जिस पर मिस्टर बैंक्स कहता है कि वो बैकअप मिला तो ले आओ, नहीं तो वो बच्चे को लेकर आओ। ये सुनते ही टास्क मास्टर अपनी टीम को कहता है कि सारे के सारे रुक जाओ। ये सुनते ही मिस्टर बैंक्स टास्क मास्टर से कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, जिस पर टास्क मास्टर कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर खत्म होता है, और ये कहते हैं टास्क मास्टर कॉल कट कर देता है। यहाँ पनिशर उन मर्सिनरीज को मार रहा था कि तभी उनमें से एक पनिशर से कहता है कि रुक जाओ, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सुनते ही पनिशर कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, जिस पर वे मर्सिनरीज कहते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। लेकिन तभी पनिशर गन उठाता है और उन सबको भून डालता है और वहां गन फेंक कर जाने लगता है। यहां मरियाना के कार के टायर पर एक एरो लग जाता है और मरियाना की कार रुक जाती है।
तभी मरियाना बाहर आती है और कहती है कि यही तुम चाहते हो ना, तो ये ले लो। ये कहते ही मरियाना वो पेन ड्राइव जिसमें वो सारे बैंक अकाउंट्स थे वो टास्क मास्टर को दे देती है, जिस पर टास्क मास्टर कहता है कि मुझे इस पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास अब वो बच्चा है। और तब हम देखते हैं कि उस बच्चे को सारे बैंक अकाउंट्स याद थे, इसीलिए टास्क मास्टर उसे अपने साथ ले जा रहा था। लेकिन तभी मरियाना गन निकालती है और टास्क मास्टर पे फायर करती है, लेकिन टास्क मास्टर अपनी शील्ड से बच जाता है और अगले ही पल टास्क मास्टर अपनी शील्ड मरियाना पर फेंकता है, जिसके कारण मरियाना का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है और वो मर जाती है। यहाँ डेडपूल सब कुछ खत्म होने के बाद आता है और पनिशर से कहता है कि मरियाना मर चुकी है और उसका बेटा गायब है और उसे टास्क मास्टर ने उठाया है। तभी डेडपूल अपना मोबाइल निकालता है और कहता है कि मुझे मिस्टर बैंक्स ने पनिशर को मारने के लिए हायर किया था और ये मुझे अब पता चल रहा है। तुमने झूठ कहा कि बाउंटी हम दोनों पे है, जबकि वो बाउंटी सिर्फ तुम पर थी और आज मरियाना के मौत के जिम्मेदार तुम हो। ये कहते ही डेडपूल गन निकालता है और फायर करने वाला ही था कि तभी पीछे से एक मर्सिनरी उठ जाता है और पनिशर पे शूट करता है, लेकिन बीच में डेडपूल होने के कारण वो बुलेट डेडपूल के आंख में लग जाती है और डेडपूल फिर से मर जाता है और मौके का फायदा उठाकर पनिशर उस मर्सिनरी को मार डालता है। और यहीं पर राउंड 3 खत्म हो जाता है जिसका विनर है डेडपूल। फिर कुछ देर बाद डेडपूल जाग जाता है और देखता है कि वो एक कार्गो से भरे हुए शिप पर था और अचानक वहां पर एक हेलीकॉप्टर आकर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। तभी डेडपूल उस शिप के अंदर आता है और देखता है कि वो शिप खाली थी, इसलिए डेडपूल अंदर घूमने लगता है और सब कुछ देखने लगता है, लेकिन तभी उसे एक कंटेनर दिखाई देता है जिसके पीछे कोई छुपा हुआ था, इसलिए डेडपूल वहां जाता है। तभी डेडपूल देखता है कि वहां पर मिस्टर बैंक का बेटा था। तभी डेडपूल उस बच्चे से कहता है कि यहां हो क्या रहा है, जिस पर वो बच्चा कहता है कि मैं उन स्कल वाले लोगों से डरकर छुपा हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं कि ऊपर पनिशर और टास्क मास्टर एक दूसरे से लड़ रहे थे। यह डेडपूल उस बच्चे से कहता है कि लगता है मरने के बाद ऐसा दिखता है, जिस पर वो बच्चा कहता है कि तुम मरे नहीं हो और मेरी माँ मरियाना को मार डाला है, वो भी उस स्कल वालों ने। जिस पर डेडपूल पूछता है कि कौन सा स्कल वाला, जिस पर वो बच्चा कहता है कि एक आदमी जिसके सीने पर स्कल है उससे हम बच रहे थे, लेकिन तभी स्कल जैसे फेस वाला आया और उसने मार डाला, मैं चाहता हूँ कि वे दोनों मर जाए। ये सुनते ही डेडपूल का जमीर जाग जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस बच्चे से कहता है कि तुम्हारी इच्छा अब पूरी होगी। ये कहते ही डेडपूल ऊपर आ जाता है। इधर मिस्टर बैंक कहीं पर आ जाता है और सारे गार्ड से कहता है कि टास्क मास्टर ने धोखा दिया है, इसलिए उसे मार डालो। लेकिन तभी मिस्टर बैंक को पता चलता है कि जिन गार्ड्स को वो कह रहा था वो टास्क मास्टर के ही थे और वो मिस्टर बैंक्स को पकड़ लेते हैं। यहाँ टास्क मास्टर और पनिशर के बीच जबरदस्त लड़ाई जारी थी, कभी पनिशर भारी पड़ रहा था तो कभी टास्क मास्टर, लेकिन तभी टास्क मास्टर पनिशर पर भारी पड़ने लगता है और पनिशर को मारकर नीचे गिराता है और उसे मारने वाला ही था कि तभी वहां पर डेडपूल आ जाता है और टास्क मास्टर पे फायरिंग कर देता है और तब डेडपूल और टास्क मास्टर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर टास्क मास्टर अलग अलग तरीके से डेडपूल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनमें नाकामयाब हो जाता है। लेकिन तभी फिर से पनिशर उठ जाता है और टास्क मास्टर को एक पंच मारता है और अब पनिशर और डेडपूल मिलकर टास्क मास्टर पे अटैक करते हैं और उसकी जमकर धुलाई करते हैं और फिर दोनों मिलकर टास्क मास्टर को उठाकर शिप के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन तभी टास्क मास्टर शिप के नीचे के हिस्से पर लटक जाता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों की फाइटिंग स्किल देख ली है और अब मुझे तुम लोगों को हराने में आसानी होगी। लेकिन तभी ऊपर से हडसन बैंक आ जाता है और वो भी टास्क मास्टर की शील्ड को लेकर, और वही शील्ड टास्क मास्टर पे मारता है जिसके कारण टास्क मास्टर नीचे समुद्र में गिर जाता है। इधर डेडपूल और पनिशर फिर से एक दूसरे के सामने आ गए थे। तभी पनिशर कहता है कि हम एक जगह पर पहुंचने वाले हैं, ये वही जगह है जहां पर टास्क मास्टर के लोगों ने मिस्टर बैंक को किडनैप करके रखा है। यहां डेडपूल इस बार गन उठा लेता है और पनिशर के सर में शूट करता है और कहता है कि हर बार तुमने मेरे सर पे मारा है और अब हिसाब बराबर हुआ। और यहां पर राउंड 4 खत्म होता है और राउंड 4 का विनर है डेडपूल, यानी कि 2 पॉइंट्स पनिशर के है और 2 पॉइंट्स डेडपूल के है और अब एक ही पॉइंट बचा है जो डिसाइड करेगा कि विनर कौन है। फिर थोड़ी देर बाद पनिशर जाग जाता है और देखता है कि वो एक फैसिलिटी में है। तभी पनिशर अंदर आता है और देखता है कि वहां पर लाशें पड़ी हुई है और तब पनिशर देखता है कि वहां पर डेडपूल मिस्टर बैंक्स और उसके बेटे को लेकर खड़ा था। और पनिशर को देखकर डेडपूल कहता है कि मरकर जिंदा होने में कैसा लगा, क्योंकि मैं जानता था कि टास्क मास्टर के पास ऐसे बुलेट्स होते हैं जो कि स्कल के आर पार नहीं होते हैं, लेकिन किसी को भी
बेहोश कर देते हैं और उसी बुलेट का इस्तेमाल मैंने तुम पर किया और मैंने ही इन लोगों को मारा है और मिस्टर बैंक और उसके बेटे को बचाया है। तभी मिस्टर बैंक डेडपूल से कहता है कि ये आदमी पागल है, उसे मार डालो इससे पहले कि वो तुम्हें मार डाले। तभी पनिशर डेडपूल से कहता है कि ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा ठग है, इसने न जाने कितने बैंकों को डुबाया है और जहाँ हम खड़े है ये उस आदमी का अड्डा है जहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के पैसे रखे हुए हैं। हम मिलकर उन सबको रास्ते पे ले आ सकते हैं। लेकिन तभी हडसन बैंक कहता है कि मेरी माँ इसके कारण मर गई। तभी पनिशर कहता है कि इस आदमी ने सारे अकाउंट नंबर अपने बेटे के दिमाग में फीड करके रखे हैं और इसीलिए ये अपने बेटे को लाने में इतना पागल हो रहा था। लेकिन तभी मिस्टर बैंक फिर से उकसाता है और तब डेडपूल और पनिशर एक दूसरे पर गन पॉइंट करते हैं। लेकिन तभी पनिशर अपनी गन मिस्टर बैंक की तरफ करता है और ये देखकर हडसन मिस्टर बैंक के सामने खड़ा हो जाता है। तभी डेडपूल पनिशर से कहता है कि पागल मत बनो। लेकिन तभी पनिशर फायर करता है और तब पनिशर को पता चलता है कि उसकी गन खाली है। तभी डेडपूल कहता है कि मैंने ही तुम्हारी गन खाली की थी और ये कहते ही डेडपूल पनिशर पे फायर करता है और तब डेडपूल को पता चलता है कि उसकी गन भी खाली है। तभी वे दोनों दूसरे गन उठाने लगते हैं और फायर करते हैं लेकिन वो भी खाली थे और फिर दोनों तीसरी गन उठाते हैं और वो भी खाली थी और इसी चक्कर में पनिशर एक गन उठाता है और डेडपूल पे फायर करता है और डेडपूल की गन उड़ा देता है। लेकिन डेडपूल अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और तब दोनों के बीच शुरू होता है फिफ्थ एंड फाइनल राउंड। तभी मिस्टर बैंक वहां की जगह को ओपन करता है जिसके कारण पनिशर और डेडपूल नीचे गिर जाते हैं। तभी पनिशर डेडपूल के मुंह पर लात मारता है और डेडपूल का गला पकड़ लेता है और डेडपूल से कहता है कि मैंने नॉर्मल होने की कोशिश की थी लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तभी डेडपूल पनिशर को नीचे गिराता है और अपना मास्क निकालता है और एक डंडे से पनिशर पर अटैक करता है। लेकिन पनिशर डेडपूल का सर दीवार पे मारता है लेकिन डेडपूल फिर से डंडे से पनिशर पर अटैक करता है और पनिशर को नीचे गिराता है। तभी पनिशर वहां पड़ी हुई गन उठाता है और डेडपूल के दोनों पैरों पे शूट करता है। तभी डेडपूल रेंगते हुए आता है और देखता है कि वो जगह असल में गोल्ड का स्टोरेज थी। तभी पनिशर भी आता है और फायर कर देता है लेकिन डेडपूल एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। तभी डेडपूल कॉइंस की भरी हुई बैग पनिशर पे मारता है जिसके कारण पनिशर नीचे गिर जाता है। तभी पनिशर फिर से गन उठाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार डेडपूल अपनी तलवार पनिशर के हाथ में घुसा देता है और पनिशर पे कूद जाता है। यहाँ मिस्टर बैंक अपने बेटे को लेकर जाने लगता है और कहता है कि यही मौका है, जिस पर हडसन कहता है कि कौन सा मौका, जिस पर मिस्टर बैंक कहता है कि यही मौका है इन दोनों को मारने का, जिस पर हडसन कहता है कि क्या अंकल वेड मारे जाएंगे। लेकिन तभी मिस्टर बैंक एक सोने से भरा हुआ क्रेट ऑन कर देता है और हडसन से कहता है कि अंकल वेड एक किलर है और इसीलिए उसे भी मरना होगा। यहाँ डेडपूल पनिशर को मारने वाला ही था कि तभी पनिशर कहता है तुम्हारी माँ। लेकिन तभी डेडपूल कहता है क्या तुम्हारी माँ का नाम मारता है, मेरे भी माँ का नाम मारता है। ये कहते ही डेडपूल नीचे लेट जाता है और कहता है कि मैं थक गया हूँ। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि उन पर गोल्ड की क्रेट गिरने वाली थी। यहाँ हडसन मिस्टर बैंक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टर बैंक हडसन को रोक लेता है। यहाँ डेडपूल गन उठाता है और पनिशर पे शूट करने वाला ही था कि तभी वो क्रेट नीचे गिर जाता है जिसके कारण दोनों दूर गिर जाते हैं। यहाँ मिस्टर बैंक दोनों को देखकर डर जाता है और तब डेडपूल और पनिशर अपनी गन उठा लेते हैं और एक ही पल में मिस्टर बैंक का सर फोड़ देते हैं। अब मिस्टर बैंक की मौत हो चुकी थी और पनिशर हडसन से कहता है कि मुझे वो कोर्स बता दो, जिस पर हडसन कहता है कि नहीं तुमने मेरे मॉम डैड को मारा है, जिस पर पनिशर हडसन से कहता है कि तुम्हारी मॉम यही चाहती थी और उसे शर्मिंदा मत करो। ये सुनते ही हडसन रुक जाता है और पनिशर को वो सारे कोर्स दे देता है। तभी डेडपूल और हडसन बाहर आते हैं और इसी के साथ ये राउंड खत्म हो जाता है और इस राउंड का विनर है हमारे व्यूवर्स जो इस कहानी को देख रहे थे और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दी एंड। Chains go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.